Hey guys, आज है मई की 20 तारीख और गर्मियों की अच्छी खासी शुरुआत हो चुकी है। तो आज हम बात करेंगे एयर लेयरिंग के बारे में। एयर लेयरिंग एक ऐसा तरीका है जिसे हम बड़ी आसानी से बहुत कम समय में नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो एयर लेयरिंग करना कुछ खास मुश्किल नहीं है, कोई भी इसमें कोई ट्रिक नहीं है। बस हमें कुदरत के कुछ इंस्ट्रक्शन को समझना है, कुछ हमें सही तरीके से और सही टाइम पे एयर लेयरिंग करनी है तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने बहुत सारे प्लांट को कई सालों से मैं एयर लेयरिंग कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, कुछ जगह पे मुझे निराशा भी मिली। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि किस पौधे पे हम एयर लेयरिंग कर सकते हैं, किस पे नहीं कर सकते, किस पे सबसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप बिगिनर हो, आप शुरुआत में एयर लेयरिंग करना चाहते हो, तो आपको किस पौधे पे एयर लेयरिंग करनी चाहिए, तो वीडियो के साथ बने रहिए, चलिए देखते हैं। तो देखिए, बहुत सी ऐसी वैरायटी है जिस पे हम एयर लेयरिंग कर सकते हैं। तो मैंने जब भी एयर लेयरिंग की जुलाई के दौरान ही की और अगस्त तक हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो यहाँ पे देखिए, ये है रबर प्लांट और रबर प्लांट एक ऐसा पौधा है जिस पे बहुत आसानी से एयर लेयरिंग सक्सेस हो जाती है और बड़ी आसानी से आप नए पौधे भी तैयार कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है ये है लीची, और लीची के पौधों पर भी एयर लेयरिंग करना काफ़ी आसान है, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो जुलाई के दौरान अगर आप एयर लेयरिंग करते हो तो देखा गया है कि अगस्त तक आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो रिजल्ट आपके सामने है, देखिए इनमें कितनी सारी जो जड़ें हैं वो आ चुकी हैं। तो बस अभी हम क्या करना है, इनकी हल्की प्रूनिंग करनी है और इनको हम किसी बड़े पॉली बैग में या फिर नीचे मिट्टी में लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पौधा है जिसको हमने एयर लेयरिंग से बहुत बार ग्रो किया है वो है कागजी बारहमासी लेमन और सीडलेस लेमन। ये दो ऐसी वैरायटी है जिसपे आपको 100% सक्सेस रिजल्ट मिलेंगे एयर लेयरिंग के। तो देखिए हमने कितने बड़े बड़े पौधे तैयार किए हैं एयर लेयरिंग से। तो अगर आप एज ए एक बिगनर हो और शुरुआत में आप एयर लेयरिंग करना चाहते हो तो नींबू की वैरायटी पर आप एयर लेयरिंग ज़रूर करें। तो नींबू के पौधों पर हमने काफ़ी बार एयर लेयरिंग की है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं, ये देखिए इनका रिज़ल्ट आपके सामने है। तो इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे किन्नू मसम्मी संतरा है या गलगल है, इन पे एयर लेयरिंग के बहुत कम रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो इस पे आप एयर लेयरिंग ट्राई ना ही करें, क्योंकि इनको बीज से लगाया जाता है, उसके बाद आप इन पे ग्राफ्टिंग करोगे तभी आपके पौधे तैयार होंगे। इवन जो गलगल है उसको आप बीज से लगा सकते हो, लेकिन एयर लेयरिंग के जो रिज़ल्ट है उस पे थोड़े कम ही नज़र आते हैं। ये सबसे ज़्यादा रिज़ल्ट जो आपको नज़र आएंगे वो नींबू पे ही है। तो देखिए ऐसे बहुत से प्लांट हैं जिस पे हमने एयर लेयरिंग की है। तो देखिए ऐसा ही एक पौधा ये भी है, ये है ब्लैक बोर्ड ट्री और यह एक छायादार पौधा है। लगभग 7 फुट की ब्रांच पे हमने एयर लेयरिंग की, काफ़ी मोटी ब्रांच थी और काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। तो सॉयल मिक्सचर हमने यहाँ पे यूज़ किया, हेल्दी गार्डन सॉयल और लगभग 40% गोबर खाद, पुरानी गोबर खाद। तो दोनों को मिक्स करके हमने जो है एयर लेयरिंग की जुलाई के दौरान, और सेम वैसे ही अगस्त तक हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो देखिए जितनी बड़ी आप ब्रांच ले रहे हो जिस पे आप एयर लेयरिंग करते हो, उतनी ही ज़्यादा आपको मिट्टी उसमें लगानी होगी। कोशिश करें कि एक उंगली के बराबर ही आपको जो है ब्रांच पे एयर लेयरिंग करनी है, तो उस पे आपको सबसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ऐसे कुछ ही पौधे हैं जो कि बड़ी ब्रांच पे अगर आप एयर लेयरिंग करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सो गाइज, एयर लेयरिंग के लिए सबसे ज़रूरी है सही टाइम। तो बरसात का टाइम ही सबसे सही है। आमतौर पर जब एनवायरनमेंट में नमी होती है उसी दौरान एयर लेयरिंग के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो आपको बरसात की शुरुआत में ही एयर लेयरिंग करनी है, तो ऐसे में लगभग 40 दिन में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जुलाई की शुरुआत से ही आप एयर लेयरिंग कर सकते हो, तो सही टाइम बरसात का ही है और इसी दौरान आपको एयर लेयरिंग करनी है। इसके अलावा देखिए कुछ वैरायटी ऐसी है जिसमें एयर लेयरिंग के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, यानी कि अगर आप 10 एयर लेयरिंग करते हो तो 10 की 10 कामयाब होगी। तो ऐसे में जैसे कागजी नींबू है और सीडलेस लेमन है, ये दो वैरायटी ऐसी है जिसमें बड़ी आसानी से आप एक बिगनर भी जो है शुरुआत में अगर आप एयर लेयरिंग करना चाहते हो तो इस वैरायटी पर आप करें, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो नॉर्मली मैंने जनवरी फरवरी में भी जो है सीडलेस लेमन पे एयर लेयरिंग की थी, लेकिन उसके रिज़ल्ट है बहुत लेट आए, 2-3 महीने के बाद ही रिज़ल्ट आए, और रिज़ल्ट भी तब आए जब एक दो बार अच्छी बारिश हुई। तो ऐसे में देखिए आपको करना क्या है कि बरसात की शुरुआत में ही आपको एयर लेयरिंग करनी है। तो एयर लेयरिंग का कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं कि हमें एयर लेयरिंग कैसे करनी है। तो यहाँ पे एक अमरूद की ब्रांच है लगभग एक उंगली के साइज़ की, तो इसका जो नोड एरिया है लगभग 1 से 1.5 इंच नोड एरिया की जो छाल है हमें उसको निकालना है और यहीं पे हमें एयर लेयरिंग करनी है। तो आमतौर पर जैसे मैंने आपको बताया कि सॉइल मीडिया आपको कैसा यूज़ करना है, यहाँ पर हमने हेल्दी गार्डन सॉइल, थोड़ा सा हमने उसमें गोबर खाद मिक्स किया है और थोड़ा सा हमने रेत मिलाया है। तो इन्हीं तीनों चीज़ों को मिक्स करके जो है हम एक ट्रांसपेरेंट पॉली शीट से इनको कवर करेंगे ताकि जो रिज़ल्ट है हम उस पर देख सकें। तो जुलाई के दौरान हमने अमरूद पे ये एयर लेयरिंग की थी, काफ़ी पौधों पे एयर लेयरिंग की। तो एयर लेयरिंग करने के बाद आप इनको अच्छे से बांध दीजिए ताकि ये हिलनी नहीं चाहिए। तो इसके बाद देखा गया है कि अगस्त तक जो है काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले और हमारे काफ़ी सारे नए पौधे तैयार हुए। तो देखिए जितनी बड़ी ब्रांच पे आप एयर लेयरिंग करोगे उतनी ज़्यादा आपको सॉइल यूज़ करनी होगी, और अगर आपकी सॉइल कम है
उसमें देखिए रूट सिस्टम थोड़ा कम ही आएगा, तो ऐसे में आप हल्की प्रूनिंग जरूर करें और उसके बाद ही आप इनको किसी पॉली बैग में या फिर मिट्टी में लगाएं। तो देखिए ए लेयरिंग का जो सही समय है, जैसे मैंने आपको बताया कि बरसात के दौरान का ही टाइम सबसे अच्छा है, जब एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा नमी होती है उसी दौरान आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा बात आती है कि किस ब्रांच पे हम ए लेयरिंग करें, तो नॉर्मली पेंसिल साइज़ या फिर छोटी उंगली के बराबर ब्रांच पे ही आपको ए लेयरिंग करनी है, उसी पे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैक बोर्ड ट्री था एक, उसमें मैंने एक बड़ी ब्रांच पे ए लेयरिंग की, लगभग 7 फुट की ब्रांच थी, तो उस पे भी रिज़ल्ट अच्छे आए। लेकिन कोशिश यही करो आपकी शुरुआत में आपको छोटी ब्रांच से शुरू करना है, उसी से आपको ये देखना है कि किस पौधे पर ज़्यादा रिज़ल्ट आ रहे हैं, अगर छोटी ब्रांच पे कैसा रिज़ल्ट आ रहा है तो आप थोड़ी बड़ी ब्रांच का यूज़ करें। तो ऐसे में देखा गया है कि पेंसिल साइज़ की ब्रांच है, छोटी उंगली साइज़ की ब्रांच है, उसमें सबसे अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। इसके अलावा देखिए अगर सॉयल मीडिया की बात करें हम कि कैसी मिट्टी का यूज़ करें ए लेयरिंग के लिए, तो बहुत से लोग अलग अलग प्रकार का सॉयल यूज़ करते हैं। नॉर्मली देखा गया है कि कुछ वैरायटी ऐसी है जैसे नींबू है, सिर्फ मिट्टी का यूज़ करके आप ए लेयरिंग कर सकते हो बरसात के दौरान। तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ ए लेयरिंग के लिए, मैं यूज़ करता हूँ मॉस घास, हेल्दी गार्डन सॉइल और गोबर खाद। ये तीनों चीज़ें हल्की मिक्स करके आप ए लेयरिंग कर सकते हो। तो अगर आपके पास मॉस घास नहीं है तो इसके अलावा आप हेल्दी गार्डन सॉइल, उसमें आप थोड़ा सा गोबर खाद मिक्स कर लीजिए, थोड़ा सा आप मिलाइए उसमें रेत, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप ए लेयरिंग कर सकते हो। तो देखिए रेत और मॉस घास का मेन रोल यही है कि इससे जो है हल्की नमी बनी रहती है। इसके अलावा कुछ लोग कोकोपीट में ए लेयरिंग करते हैं, सिर्फ कोकोपीट का ही यूज़ करके, वो भी बहुत अच्छा चीज़ है, आप उससे भी ए लेयरिंग कर सकते हो। तो चीज़ें बहुत है, तो बस आपको सिंपल ट्राई करना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने अमरूद पे लास्ट टाइम ए लेयरिंग की, उसके भी काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आए, जिसमें हमने हेल्दी गार्डन सॉइल और गोबर खाद ये दोनों ही चीज़ें मिक्स की, तो उसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास मॉस घास नहीं है तो आपने देखा होगा कि जहाँ पे पानी गिरता है वहाँ पे हरी काई जम जाती है, तो उस काई का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको वो काई, हेल्दी गार्डन सॉइल और उसमें थोड़ा सा गोबर खाद मिक्स करके आप ए लेयरिंग कर लीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए लास्ट टाइम जो हमने ए लेयरिंग द्वारा कुछ पौधे तैयार किए थे ये वही है, यहाँ पे है कुछ नींबू की वैरायटी और अमरूद। तो देखिए नींबू को तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ, ये देखिए बड़े सीडलेस लेमन है और इनमें फ्रूटिंग भी शुरू हो गई है। तो अगर आप हम इनको ज़मीन में लगाएंगे तो इनका रूट सिस्टम सही से डेवलप हो जाएगा और बहुत अच्छा एक प्लांट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे अमरूद और नींबू की कुछ वैरायटी है, और देखिए इसके अलावा एक और प्लांट है और इसमें भी देखा गया है बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, यह है हिबिस्कस। हिबिस्कस की चाहे कोई भी वैरायटी हो, देखिए जो पौधों को हम कटिंग से लगा सकते हैं उन पे आप ए लेयरिंग भी कर सकते हो। तो ये देखिए ये हिबिस्कस की काफ़ी बड़ी ब्रांच थी, सेम इतनी ही थी, और हमने इसको ए लेयरिंग से तैयार किया था पिछले साल, और देखिए अभी इन्हें फ्लावरिंग भी हो रही है और काफ़ी अच्छा हमारा पौधा तैयार हो गया है। तो देखिए यह है एक नींबू का पौधा, सीडलेस लेमन है ये देखिए, इसमें कांटे नहीं होते और इसकी पहचान भी काफ़ी आसान है। तो इस ब्रांच को देखिए, तो जनवरी के दौरान हमने सिर्फ मिट्टी का यूज़ करके और हमने कुछ भी मिक्स नहीं किया, सिर्फ मिट्टी का ही यूज़ किया था और इसको ए लेयरिंग की थी। और बीच में मई के दौरान, मार्च के दौरान एक दो बार बारिश हुई, इसकी जो मिट्टी है वो काफ़ी नम हुई, और ये देखिए बिल्कुल ऑफ सीज़न में हमने इसको ए लेयरिंग की थी। तो नॉर्मली आपको ए लेयरिंग हमेशा बरसात में ही करनी है, तो रिज़ल्ट आप देख सकते हो। सो गाइज, आशा करता हूँ कि ए लेयरिंग से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपसे रिक्वेस्ट है आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और मिलते हैं किसी और प्लांट की वीडियो में। धन्यवाद।